गुड मॉर्निंग दोस्तों, 9:28 एंड मैंने लॉगिन नहीं किया है, अभी जस्ट लॉगिन करता हूँ। लॉगिन और चांस बहुत कम है कि आज चांस बहुत कम है, क्योंकि लगभग जो है ऑफिस वगैरह बंद हो चुका है। चलो पहले हवा डलवाते हैं टायर में। लगभग ऑफिस कॉलेजेस जो भी है वो सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि आज है 6 पूजा, डेट है 20 अक्टूबर। तो मेरे को नहीं लगता उतना कुछ ज़्यादा हो पाएगा अर्निंग, तब भी देखते हैं। अब निकल पड़े हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। चलो उबेर तो लॉगिन कर लिया हूँ और धीरे धीरे रैपिडो का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने पर भाई फ़ायदा है। अभी 200% ज़्यादा भाड़ा चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है 200% सर्च। चलो पहले हवा डलवाते हैं, फिर देखते हैं पहली राइड कहाँ से आती है। चलो भाई साहब, जैसे ओला को ऑन किया मेरे को राइड मिल गई, वो भी वो छोटी सी राइड मेरे को लग रही है, क्योंकि 1.3 पिकअप है और ड्रॉप न्यू टाउन में कहीं पर है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है भैया का। आप है इधर में दिखा रहा था, कभी उधर में दिखा रहा है, कंफ्यूज हो गया। उस तरफ यहीं पे लोकेशन दिखा था, यहीं रुक गया मैं। वो हम समझ गया। हाँ। तो हम उस तरफ चले गए थे, बोले आप कहाँ हैं। अच्छा बताइए पिन। 7179। ये कहाँ पर है? इको पार्क के पास। नो, वेस्टिन। अच्छा बैठे। हाँ बैठे भैया, जहाँ थोड़ा खाली देखेंगे ना, थोड़ा टान दीजिए, इसलिए तो जल्दी बुला रहा था आपको। कितना? 58। हो गया। ठीक है, चलो। लेकिन भाई जो बोलो, गूगल जो टाइम नहीं देता है ना, एग्जैक्ट टाइम देता है कि बंदे को आप इतने देर में ही पहुंचाओगे, चाहे कितना भी आप स्पीड चला लो। मैं 70-60 के स्पीड में आया, जो कि 5.7 किलोमीटर था। ठीक है, ये बोले जल्दी मेरे को पहुंचा दो। मैंने बोला जल्दी, आपने आपको तो जल्दी बुला रहा था, आप आए नहीं। बोले हाँ भाई लेट हो गया। लेट हो गया तो फिर हम कितना जल्दी कर सकते हैं, हम तो भाई 50-60-70 चला सकते। इन्फोसिस लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई, रैपिडो से अगर कमाना है ना, तो मैं सही बता देता हूँ, आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले लो, जो कि है 10 राइड पे 9 रुपये लगेंगे आपको, 10 राइड आपका जीरो कमीशन रहेगा। अब 20 राइड जीरो कमीशन के लिए 19 रुपये लग रहे हैं, 30 राइड जीरो कमीशन के लिए 29 रुपये लग रहे हैं। तो देखो प्लान एक तरह से ठीक ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो पिछली बार मैंने लिया था 11 रुपये में अनलिमिटेड 1 वीक, वो वाली सही थी भाई, क्योंकि वो वाला ठीक है। जैसे कि उबेर भी हम लोगों को कर रहे हैं, दिन का 11 रुपये दो, जीरो कमीशन हो जाएंगे, जितने राइड करना है उतने राइड का आपका जीरो कमीशन लगेगा। तो भी एक तरह से देखा जाए ये भी ठीक ही है, अगर आपको करना है तो आप सीधा 30 राइड वाली ले लो, क्योंकि आप ये 7 दिन का टाइम मिलेगा, तो आराम से आप 29 रुपये वीकली आप इतना पे कर सकते हो, इतना चलेगा अगर रैपिडो ज़्यादा कमाना है तो। नहीं तो उसके बाद तो भाई अपना उबेर तो है ही, ओला है ही, है ना, सबसे ज़्यादा बड़े मेरे को तो उबेर ही बेस्ट लगता है। लेकिन यही थोड़ा सा इसकी मार्केट वैल्यू भी घट चुकी है, क्योंकि ये पैसा बहुत ज़्यादा लेने लगा कस्टमर लोगों से, इसी कारण से। बाकी अगर आप लोगों को रैपिडो में तो बहुत भर भर के राइड मिलती है, तो एक काम करो आप लोग, सबसे बढ़िया मेरा सजेशन है कि आप ले लो सब्सक्रिप्शन एंड देन अपना यूज़ करो भाई, इसको लूट लो पकड़ के, क्योंकि पूजा भरी जो भी आपको मिलने वाला ऑफ़र उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो काम करना है तो भाई फटाफट से जा कर के इसका सब्सक्रिप्शन लो और अपना काम शुरू करो। चलो भाई साहब, बिष्णुपुर की राइड मिल गई मेरे को, और ये कहाँ पर है, 750 दिखा रहा है। चलो जाते हैं पिक करने को। पिन बता दीजिए।
ये बिष्णुपुर का है ना? चलो चलो, हो गई आज की दूसरी राइड कंप्लीट। ₹100 मिला इस राइड पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। कितना किलोमीटर था? 7 point something था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन निकलते हैं इधर से। यहाँ पे पूजा पंडाल चल रही है भाई साहब। चलो भाई, उल्टा डांगा की राइड मिल गई, ₹159 शो कर रहा था। यहीं बिष्णुपुर से ही मिले है, बिष्णुपुर 1900 meters। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट से चलते हैं पिक करने को। उल्टा डांगा जाना है इनको, और आज मैं जो है ना नॉर्थ एरिया में ही काम करूँगा, मैं साउथ नहीं जाऊँगा, ईस्ट नहीं जाऊँगा, जो भी हो। আপনি ওই দিকে ছিলেন কেন? যাবো ওই দিকে তো। হ্যাঁ না, আমি লোকেশন ওখানে দাঁড়িয়ে মেরেছি। আচ্ছা, নিউ টাউন দিয়ে একটু নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে, কারণ সুবিধা হয়। নিউ টাউন দিকে বেশি হবে না? বেশি জ্যাম তো হবে। পিনটা বলুন, পিনটা বলুন। হুম, নিউ টাউন দিকে ঘুরে যেতে হবে অনেক। 1032 14 kilometers। एक तो फाका आ चे, चलो देखिए टेने ने वो। चलो ये हो गया 12 किलोमीटर का, ₹159 दिखाया भैया। बहुत बहुत गर्मी है रे, डाड़ा रखी है। 71 rupees दे रहा भाई, 1.2 पिकअप एंड 5.8 ड्रॉप ले लेता हूँ। चलो शॉर्ट लीक सेक्टर 5 भी यहाँ से एटलीस्ट चलूँ। सूची इसको बंद। जीरो एट ठीक है ना। चलो 71 की राइट कंप्लीट। पेमेंट 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 कहाँ गया भाई? पूरा शॉर्टली लगभग खाली हो गया भाई साहब। हाँ 71 आ चुका है। लगभग शॉर्ट लेग खाली हो चुकी है, क्योंकि जब आ रहा था उधर से
वेबल मोड़ से क्रॉस लिया तो भाई पता चल गया उसी से ही। देख रो तो ये सब टाइम है ना अभी खचाखच बढ़ी रहती है। हाँ बाइक वगैरह लगी है क्योंकि ये ऑफिस वगैरह है ना तो उसके हिसाब से ठीक है। अब उतना भी नहीं, पूरा एक बिल्डिंग में पता है आपको लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 कंपनियाँ होती है, ज़्यादा ही होती है क्योंकि मैं जिसमें करता था एम पॉकेट। ये किसका कॉल आ रहा है एक बार देख लेता हूँ। देखो भाई साहब पूरे सिटी, ये उबेर को छोड़ो, ये उबेर तो ऑलवेज लाल ही दिखती है जब से ये जीरो कमीशन स्टार्ट हुआ अगस्त से ही, तो उसका छोड़ो इग्नोर करो। बाकी राइड की क्वांटिटी जो है ना बहुत घट चुकी है, चाहे वो रैपिडो क्यों ना हो। रैपिडो जो बंदा जो एप्लीकेशन सारा दिन बजने वाला है उसमें भी नहीं बजती है। ये दिखाता हूँ, अभी दिखाऊँगा क्या यहाँ पे, जैसे भी बजने वाली नहीं है। सेक्टर 5 में भी आने का टाइम है, जाने का नहीं। देखो सर्च पे चल रही है, सब जगह डेढ़ गुना ऐसा सर्च पे चल रही है। 20 रुपये 25 रुपये भी कहीं कहीं पे चल रही है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। 12 बज गए भाई, सॉरी भाई साहब 12 बज चुके हैं और मेरा टोटल राइड जो हुआ है अभी तक ये देखो आई बट ये फूड की काम आती है, माथा ख़राब करता है। 3 ट्रिप 4 ट्रिप हो चुकी है। अर्निंग ठीक है भाई, तो 2-3 घंटे में ठीक ही काम हुआ है मेरा। 9:30 बजे से और 12:15 बज रहे हैं, काम ठीक ही चल रहा है बाकी। लेकिन उतनी राइड नहीं जितनी मैं पहले सोचता था। ये फूड की आ रही है, यहीं से उड़ा करके यहीं डालना है भाई पागल। सिर्फ स्ट्रीट अलग अलग है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपने एरिया न्यू टाउन की तरफ जाते हैं। ये देख सकते हो ये सब पूरा खाली दिख रहा है, ये सब जगह खाली नहीं होती जल्दी। बस वगैरह जितना ये सब खाली पड़े हैं। हाँ खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई, रुकना पे 2 सेकंड रुकता नहीं हूँ, पीछे से पाँ पाँ करना शुरू कर देता है यार कोई। चलो खुली है सिग्नल, फटाफट निकल दे। देख रहे हो कितनी मतलब खाली है भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड। शॉर्टली कैसा खाली मेरे को कब दिखा था पता है, संडे के अलावा ऐसा कोई दिन मिलता नहीं है जहाँ पे खाली मिलती है। लेकिन संडे को भी इसी तरह क्रेज रहती है। संडे को जो अभी आप लोगों ने देखा बाइक वगैरह उसी तरह क्रेज रहती है क्योंकि संडे में कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि वीक में आप किसी भी दिन छुट्टी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे को नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे मतलब वीक में कभी भी छुट्टी ले लो ऐसी होती है, तो संडे को भी उस दिन उसकी ऑफिस रहती है। आप मंडे को लेना चाहो मंडे को ले सकते हो, फ्राइडे को लेना चाहो फ्राइडे को ले सकते हो। जिसमें मैं जैसे एम पॉकेट में करता था तो मैं जल्दी संडे को नहीं लेता था, अदर डे लेता था क्योंकि संडे को आने में यहाँ थोड़ा सा मज़ा आता है, पूरा खाली मिलता है ऑफिस वगैरह सब कुछ, तो काम करने में मज़ा आता है। संडे को उतना क्रेज भी नहीं होता। वाह ये देख रहे हो ये मेट्रो स्टेशन का ब्रिज बन रहा है, इसी के नीचे पार्किंग सर्विस स्टार्ट कर दी है। वाह भाई साहब बस बस के चक्कर में ना कभी चलान ना बन जाए। देखो पुलिस लोग भी लगता है छुट्टी पर है आज हर जगह में देख रहा हूँ, पुलिस वगैरह भी उतना नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन छुट्टी तो इन लोगों को नहीं होती भाई साहब, खास करके कोई भी बड़ी फेस्टिवल वगैरह हो ना तो पुलिस की छुट्टी नहीं होती है। हाँ जो प्री मतलब पहले से अप्लाई कर रखता है कि हाँ मुझे को पूजा में चाहिए यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, उन लोगों को छुट्टी मिलती है। बाकी जो सोचता है कि कल छुट्टी मांग लूँगा परसों पूरा घूम लूँगा, ऐसा उन लोगों के साथ नहीं होता है क्योंकि पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कोई फेस्टिवल। देख रहे हो ये सब पूरा खाली पड़ा हुआ है। वही वाली आ रही है 200 पिकअप, वही शॉटलिक वाली फूड की ऑर्डर आ रही है बार बार और कोई नहीं आ रही है। देखो वही फूड वाली आती
बैक टू बैक वही वाली दे रही, कोई और बंदा नहीं है क्या? दे दो ना किसी और को भाई। पैसा बढ़ा दिया लेकिन 40+12 कर दिया। ये सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर सेक्टर 5 जाते हो तो आपको या तो सेक्टर 2-1 इस सब एरिया में जाना पड़ेगा, या नहीं तो न्यू टाउन की तरफ आना पड़ेगा अगर फिर से राइट चाहिए तो। है तो 5 की आ रही, सेक्टर 5 की राइट आना शुरू हो गई, तो हम सेक्टर 5 नहीं जाएंगे वापस। चलो हम सोच रहे हैं कि चलो घर की तरफ ही, फालतू का अपना भी गाड़ी खर्चा हो रहा है क्योंकि राइड मिलेगी नहीं। उबेर लॉगिन है, उबेर लॉगिन है, ओला भी लॉगिन है, किसी में नहीं बज रही है। अब पोर्टर के तो बोलो ही मत, वो भाई साहब क्या ही बताऊं। उस दिन परसों के डेट में मैंने जो काम किया था ना, उस दिन मेरा पूरा इच्छा था कि अगर वो बैक टू बैक देता ना मैं किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं करता, लेकिन भाई पोर्टर तो पोर्टर है। अभी हम कर क्या सकते हैं पोर्टर के बारे में, वो दिया नहीं क्योंकि उस दिन 10 राइड करने के मुझे 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे थे और टारगेट हो जाता तो फिर पूजा था अलग से बोनस 1000 रुपये, मतलब 2000 रुपये एक्स्ट्रा उस दिन मिल रहे थे। लेकिन भाई राइड ही नहीं तो एक्स्ट्रा में अचार डालूँ कहाँ से मिलेगा मेरे को? खाली नाम का है पोर्टर, ये दूंगा वो दूंगा कर कर के भाई। उसमें ऑफर भी चल रहा था कि जो सबसे ज़्यादा लॉग इन आवर कम्प्लीट करेगा सबसे ज़्यादा, तो मैं लॉग इन आवर कम्प्लीट करके क्या करूँ भाई, उसके चक्कर में मैं क्या करूं? आज सुबह मेरे को नोटिफिकेशन दिखा था कौन कौन से विनर बने थे, ठीक है टोटल 20 विनर बने थे ऐसे, 20-40 विनर बने थे टोटल कोलकाता, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया का। तो वो मेरे को बैनर आया हुआ था विनर लिस्ट, जिसको गोल्ड कॉइन मिला है। गोल्ड कॉइन वाले का भी मैसेज मेरे को आया था, तो मैंने वही देखा भाई ये लोग कैसे कर लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के मात्र 20 में से दो बंदे, तो मात्र दो बंदे, ठीक है। और उसका वो भी पहला नाम पे नहीं, लास्ट नाम पे आ रहा था उन लोगों का 18 नंबर पे। दो लिस्ट में मतलब 40 था, 20-20 करके लिस्ट दिया गया था, जिसमें कि 18 नंबर पे एक था 16 नंबर पे, और बाकी जितना भी था दिल्ली का था मुंबई का था, ये दोनों जगह में ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे भाई ऑर्डर की ज़्यादा डिमांड है और यहाँ हमारे कोलकाता में नहीं है उतने ज़्यादा क्रेज, और हर बंदे को पॉसिबल नहीं है कि वो जा करके बार बार मार्केट एरिया से उठाए माल और फिर वापस मार्केट एरिया जाए, तो उसमें उसकी कमाई ज़्यादा नहीं होगी, वापस वही रैपिडो वाली हाल हो जाएगी 5 रुपये किलोमीटर। तो इसीलिए कोलकाता में ना बंदे लोग उस तरह डेडिकेटेड हो गए जैसे उबेर ओला रैपिडो चलाते हैं ना, उस तरह पोर्टर में काम नहीं करते हैं कि सिर्फ पोर्टर में आज करना है, सिर्फ पोर्टर में आज करना है। तो उसमें करने का भाई, तो आपको अगर 15 रुपये किलोमीटर मिल रहा है ना, तो 7 रुपये वो किलोमीटर हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, अगर आपको मिल गई राइड, मान लो मिल गई पोर्टर में एक, तो वापस से आपको फिर मार्केट वाला जोन जाना पड़ेगा। अब मार्केट वाले रास्ते में आप जाओगे तब जा करके फिर से आपको एक मिलेगी, है ना। तो वापस ये यू टर्न लेकर के जाओगे तो वही बात होगी ना भाई, डबल आपका। तो बंदे लोग सोचते हैं क्या कि चलो मैं अब यहाँ आया, यहाँ से बाइक टैक्सी ऑन करके उस लोकेशन में जाऊँगा फिर लॉग इन करूँगा पोर्टर, तो यही है ना। और ये करना ही पड़ेगा ना, आखिर नहीं करेगा तो भाई कैसे चलेगा, आप लोग बताओ। चलो मैं अर्निंग अपडेट दिखा देता हूँ यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा। एप्लीकेशन सब बंद कर दिया, चलो ये देखो 320 रुपये और 50 रुपये इसमें ओला में 370 रुपये। उबेर 320 और 50 रुपये ओला, तो मतलब 370 रुपये। और गाड़ी हमने कितनी चलाई, 46 किलोमीटर, और अभी घर जाने में पकड़ लो मतलब 50 किलोमीटर, 1 लीटर तेल जल गई हमारी ऐसा समझ लो, ठीक है।
तो 370 में घटा दो भाई 100 रुपये, तो 100 रुपये जैसे पेट्रोल नहीं है क्योंकि अभी मेरा 50 पूरा नहीं चलेगा, इसलिए 100 रुपये ही रखो एंड उसके बाद आप लोग माइनस कर लो, तो 270 रुपये की अर्निंग हुई। कितने घंटे में? 3 घंटे में। मैं 9:30 बजे निकला था और ये 12:30 बजे बंद कर दिया। ऐसे मेरे को मैं बताऊँ तो अगर तो 12 बजे तक ही मेरा काम हुआ है, 2.5 घंटे ही काम हुआ है, क्योंकि राइड वाइड आ नहीं रही थी, बहुत जगह बैठा बैठा था, तो उस चक्कर में इतने टाइम हो गए। अगर आ जाती तो मज़ा आ जाता। पहली वाली जो मैं न्यू टाउन लेके गया था वहाँ पे हमारा 15 मिनट बर्बाद हुआ, इस तरह करके अगर देखूँ तो। खैर बताओ अब समझ लो छुट्टी का टाइम हो गया, तो नो राइड। अब राइड मिलेगी कब? 9 पूजा से या 10 पूजा से आप लोग को राइड फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। चलो हमने सब डिटेल बता दिया आप लोगों को। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, इतना टाइम मत लगाओ, अब सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, जल्दी जल्दी ग्रो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड हैप्पी दुर्गा पूजा गाइस।